के इस वीडियो में मैं आपको सूट का नाप लेना बताऊंगी, सिले हुए सूट का हम नाप कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे हमें नाप लिख लेना है, मेजरमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, लंबाई लिखिए, उसके बाद शोल्डर लिखिए, लेंथ, शोल्डर मतलब कंधा, चेस्ट लिखिए, सीना, वेस्ट साइज, कमर, हिप साइज, कुल्हे की साइज, नीचे की दामन की साइज, स्लीव्स का लंबाई, बाजू की लंबाई लिखिए, उसके बाद बाजू की गोलाई लिखना है। तो चलिए नापते हैं और लिखते हैं। तो सबसे पहले लंबाई लिख देना है। तो लंबाई है 33 इंच, 33 इंच। तो यहाँ पे हम 33 इंच नोट कर लेंगे। उसके बाद देखना है कंधा, शोल्डर। तो यहाँ से बाजू को ऐसे करेंगे, यहाँ से शोल्डर देखेंगे, तो शोल्डर है 14 इंच, कंधा 14 इंच, यहाँ पे 14 इंच लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे चेस्ट, सीना। तो सीना है 34 इंच, तो यहाँ पे 34 इंच लिखेंगे, 17 है तो उसका डबल 34 इंच। उसके बाद कमर, ये तो कमर है 30 इंच, तो यहाँ पे कमर 30 इंच नोट कर लेंगे। उसके बाद हिप साइज देखेंगे, ये कुल्ले की साइज, तो ये है 32 इंच, 16 तो उसका डबल 32 इंच, तो 32 इंच लिख देंगे। उसके बाद अब दामन देखना है, ये तो दामन है 36, तो उसका हाफ 18, ये हुआ तो दामन 18। अब उसके बाद गला, तो पहले हम बाजू की लंबाई देख लेते हैं। ये तो बाजू की लंबाई है 16 इंच, तो यहाँ पे बाजू की लंबाई लिख देंगे 16। उसके बाद यहाँ से गोलाई, गोलाई है 10, 5 है तो उसका डबल 10 इंच होगा। उसके बाद गला देखना है, तो गला बहुत में बना रहता है, बहुत में नहीं बना रहता है, तो इसमें हमें गला देखना है। नेक तो 6 इंच आगे है, पीछे से कॉलर है। नेक यहाँ पे लिख देना है और पीछे का लिख देना है, अगर कॉलर वाला बनाना है तो हाफ इंच ही डन होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह सूट का मेजरमेंट लेते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, सूट मेजरमेंट की वीडियो पसंद आई हो कीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, कुछ पूछना है नीचे कीजिएगा फ्रेंड्स कमेंट, अगर कुछ भी पूछना है, कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट कीजिए। फिर मिलती हूँ